हेलो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को दो नंबर तीन चार पांच छह नंबर के प्रश्न बता दिए हैं अगर आप लोगों ने उनकी तैयारी कर लिया है ना तो बहुत जबरदस्त अंक आपका वार्षिक पेपर में आने वाले हैं और अभी मैं आपको एक नंबर वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो मैंने पिछला जितने भी प्रश्न दिया है उनकी तैयारी हो गया है तो ये एक नंबर वाला जो प्रश्न है ये प्रैक्टिस समझो क्योंकि एक नंबर वाले प्रश्न से आपके एग्जाम में पंद्रह अध्याय से प्रश्न आना है और हर एक अध्याय से अगर मैं दस प्रश्न इंपॉर्टेंट कहता हूं तो कितने प्रश्न हो जाएंगे एक सौ पचास प्रश्न तो हम उतने सारे प्रश्नों को नहीं पढ़ सकते उतने सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो हमारा जो टाइम है वो फालतू जाएगा समझो तो हम क्या करेंगे हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रैक्टिस के तौर पे हमें पता होना चाहिए कि द वे जो प्रश्न का टाइप तो है वो तो ऐसे ही आएगा अलग तो आएगा नहीं और कुछ प्रश्न जो हमने आपको दो दो नंबर के प्रैक्टिस कराया है उससे संबंधित रहेगा तो दो दो नंबर के प्रश्न की भी, भी तैयारी जब हुआ है और तीन तीन नंबर का हुआ है तो कुछ प्रश्न उससे बन जाएगा कुछ प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे उससे बन जाएगा तो चलो प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं साथ मिलकर तो देखो पहला प्रश्न क्या है कुछ ये जो प्रश्न रहेगा ना ये टोटल बीस बीस के श्रेणी में रहेगा बीस विकल्प रहेगा बीस सही जोड़ी बीस रिक्त स्थान रहेगा और बीस जो है वो सत्य सत्या रहेगा तो टोटल साठ प्रश्न देखेंगे ठीक है तो चलो साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं ठीक है देखो पहला प्रश्न क्या है बहुपद का एक गुणनखंड है गुणनखंड निकालना जानते हो ये वर्ग में इसको भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे तो ये आठ का वर्ग होता है ठीक है अब इनको दो हिस्सों में बांटेंगे तो आप लोगों को पता होगा नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट यहाँ पे मेरे पास पे जगह है यहाँ पे देखो ये आठ माइनस नहीं x माइनस एक आठ बनेगा और एक बनेगा x प्लस आठ अब देखो ये दोनों मान कहीं है क्या देखते हैं तो देखो यहां पे x माइनस आठ दिया है क्या x प्लस आठ कहीं पे दिया है नहीं दिया है बाकी में तो वर्ग है ना इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होगा आंसर क्या होगा ए होगा समझ में आ गया गुणनखंड करना आता है तो ये प्रश्न बन जाएगा ठीक है तो ये वाला हमारा क्या होगा उत्तर होगा दूसरा देखो साइन प्लस का दोनों के जगह में तो क्या होगा एक होगा तो उत्तर क्या रहेगा एक रहेगा बन जाएगा प्रश्न तीसरा देखो बिंदु माइनस चार पांच कि चतुर्थांश में अगर पूछता है तो चतुर्थांश भी मैंने बताया था यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये दोनों प्लस में रहेंगे आगे को हम एक्स कहते हैं पीछे को वाई कहते हैं यहाँ पे माइनस में और एक प्लस में रहेगा आगे को एक्स कहते हैं पीछे को वाई कहते हैं इसमें दोनों माइनस में रहेगा और इसमें क्या होगा एक प्लस में आगे और ये पीछे जो है ये माइनस में रहेगा ठीक है अब देखो ये एक्स माइनस में है और वाई प्लस में किस में है माइनस और प्लस मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में इसमें ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तो ये उत्तर क्या आएगा बी आ जाएगा प्रैक्टिस हो रहा है ना आप लोगों का बस ऐसे ही लेना है ठीक है यहाँ पे देखो जब ये प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर क्या लेना है यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर जानी चाहिए तिमाही आधार पर की जाती है तो ब्याज की गणना कितनी होनी चाहिए तिमाही मतलब एक साल में चार बार तो एक चौथाई यहाँ पे देखो कहां पे लिखा है चार बार मतलब एक चौथाई तो एक चौथाई अगर ये छमाही कह दिया जाता तो तो आपको क्या लेना था आधा लेना था ठीक है जो यहाँ पे आधी दिया है ना उसको लेना था ठीक है आधी भी आता है कई बार दुग्नी भी आता है तो जब प्रश्न आएगा ना तो इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर में उत्तर क्या लेना है ठीक है और ये प्रश्न आता है तो आपको सीधा एक चौथा ही लेना है चलो आगे देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती ठीक है ये प्रश्न रहेगा तो समानुपातिक लेना है इसके बाद और वस्तु देख लेते हैं जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो सब देख रहे हैं हम लोग ठीक है यहाँ पे देखो निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है देखो कोई भी बहुपद है या नहीं इसका पता लगाने के एक सिंपल तरीका है एक्स के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए एक्स के ऊपर घात नहीं होना चाहिए अगर किसी भी एक्स ऊपर घात है तो वह बहुपद नहीं है तो यहाँ पे देखो एक्स ऊपर घात है क्या नहीं है मतलब ये बहुपद है यहाँ पे देखो एक्स ऊपर घात है क्या यहाँ पे घात है मतलब यही क्या है इसका उत्तर है बाकी ये सभी क्या है बहुपद है लेकिन यही बस बहुपद नहीं और पूछा क्या है बहुपद नहीं है पूछा है तो उत्तर क्या लेना है बी ले लेना है बन जाएगा ठीक है देखो यहाँ पे चगुर्दी ब्याज की गणना में समय प्रति छाही छा होने पर तीन वर्ष में छमाही की संख्या होगी तीन वर्ष में छमाही की संख्या दुगनी तो तीन दुनी कितना होगा छ क्योंकि एक साल में दो बार पटाओगे तो तीन साल में कितने बार पटाओगे छह बार तो उत्तर क्या लेना है छह लेना है बन जाएगा एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या है आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होगी एक घनाभ में देखो उसमें पृष्ठों की संख्या होता है छह तो छह पृष्ठ होता है और एक पृष्ठ में दो तो छह दुनी कितना हो गया बारह तो कुल मिला के बारह रहेगा उत्तर बारह लेना है साइन नाइनटी माइनस पैंतालीस अंश का मान होगा क्या होगा मैंने बताया था ना दो नंबर वाले प्रश्न में जब नाइन्टी माइनस है तो ये साइन जो है कॉस हो जाएगा और पैंतालीस को उठा लेगा तो कॉस पैंतालीस होगा तो कहां पे कॉस पैंतालीस बी में उत्तर यही रहेगा ठीक है मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो मूल बिंदु के निर्देशांक मैंने ग्राफ में बताया था जीरो जीरो क्या लेना है जीरो जीरो रिक्त स्थान में ये बहुत आता है तो क्या लेना है मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेगा तो जीरो जीरो लेना है इसके बाद <coughs> इसको देख लेते हैं देखो क्या पूछा है बहुपद यहाँ पे दिया है कि शून्यों का योगफल एवं नहीं सून्यांको का गुणनफल पूछा है तो मैंने फल्यांको का योगफल और गुणनफल निकालने वाला सूत्र बताया था माइनस बी अपने योग फल का गुड़न फल तो सी कौन सा है ये नंबर को हम ए कहते हैं इस नंबर को हम बी कहते हैं इस नंबर को सी कहते हैं सी अपने तो नौ बटे दो कहां पे नौ बटे दो ये रहा बन जाएगा प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था ना योगफल और गुणनफल निकालना तो यहाँ पे क्या है जो हमने दो नंबर तीन नंबर के प्रश्न पढ़े हैं ना उनसे ही संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे इसीलिए यह महत्वपूर्ण है अब इसको भी मैंने बताया था छह अनुपात दस समानुपात एक्स अनुपात पच्चीस चार पद होना चाहिए नहीं है तो चार पद बनाते हैं इसको भी मैंने बताया था तो छह बटा दस लिखेंगे और एक्स बटा पच्चीस तो क्या हो जाएगा इसको हल करेंगे तो हल करने पर कितना आ जाएगा टोटल हल करने पर तो हल करने पर यह आ जाएगा पंद्रह आ जाएगा हल करके देख लेना ठीक है ये अध्याय पांच से है ना देख लेना अध्याय पांच वाले मैंने आईएमपी सूची में बताया था इस प्रश्न को कैसे बनाना है तो तो उत्तर कितना आएगा बिंदु बिंदु देखो दोनों प्लस में है तो मूल के निर्देशांक नहीं यहां पे चतुर्थांश नहीं पूछा है क्या पूछा है आठ और छह है तथा मूल बिंदु के, आ, के बीच की दूरी पूछा है मूल बिंदु से बीच की दूरी तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी तो इसके बीच की दूरी जो है वो आठ होगा ठीक है आठ यहाँ पे आठ लेना है चलो आगे देखो छह सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्णों की लंबाई कितना होगा छह अंडर रूट तीन होगा इसके बाद एक और प्रश्न है आ, साइन थर्टी और कॉस सिक्सटी दिया हुआ है क्या होगा इसका मान करके क्या हो जाएगा एक हो जाएगा मैं शॉर्टकट तरीके में बताता हूं तो एक कहाँ पे उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट एक ले लेना है बहुत आसान आसान प्रश्न है और एग्जाम इतना ही आसान प्रश्न आएगा जितना मैं अभी बता रहा हूं और ये तो इम्पोर्टेंट है और मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि ये जो मैं बता रहा हूँ वही फंसेगा क्योंकि दो तीन चार पांच छह नंबर तक के मैं बता सकता हूँ ये प्रश्न एक दो जरूर फंस सकता है सभी प्रश्नों के फंसने की कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे बस हम जानेंगे कि इन प्रश्नों को बनाते कैसे हैं है द वे इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो संबंधित प्रश्न आएगा तो जब हम बनाना जानेंगे तभी तो बना पाएंगे ना इसीलिए ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो योगफल निकालना है तो बी और ए यही रहता है तो माइनस बी मतलब सात क्या है माइनस में मतलब ये प्लस में होगा तो सात अपान एक मतलब सात बस हमारा क्या होगा उत्तर हो हो तो तीन। तीन तो लेकिन दस सेंटीमीटर घन की एक भुजा का मान है तो दस अंडरउ तीन सेंटीमीटर होगा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटी क्या होगा जीरो पर बिंदु की कोटी क्या होगा देखो भूज क्या कहते हैं भूज को हम एक सेकेंड क्या बोला है कोटी पूछा है ना तो कोटी हाँ ठीक है जीरो होता है यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा अक्ष वाई अक्ष का तो मान क्या होगा जीरो अगर वाई अक्ष में कहेगा तो एक्स अक्ष का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या एक्स अक्ष में तो वाई अक्ष का मान क्या होगा जीरो होगा दिया हुआ है इसका मान कितना होगा इसका मान होगा टेन स्क्वायर नहीं टेन क्यों होगा से एक स्क्वायर थीटा माइनस एक दिया हुआ है हाँ टेन स्क्वायर थीटा होगा इसका मान ये थोड़ा सा गलत है ये प्लस होना चाहिए तभी ये होना चाहिए था ठीक है यहाँ पे टेन स्क्वायर ले लेना है अगर ये प्रश्न आता है तो देखो अब यहाँ पे एक प्रश्न और है यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाए तो दर को लिया जाना चाहिए आ गया प्रश्न क्या लिया जाना चाहिए यहाँ एक सेकेंड एक सेकेंड तिमाही है क्या मैंने छमाही बोल दिया था क्या हाँ यहाँ पे तिमाही है ओ हो इसे जैसे छमाही होना चाहिए था तिमाही में नहीं देना था रिपीट हो रहा है तो आपको पता है एक चौथा ही आएगा चलो छूट गया वहां पे मैं छोड़ो बाद में देख लेंगे ठीक है पेपर हाल में देख लेंगे उसको यहाँ पे देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं तो देखो पहला प्रश्न क्या है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई खाली होती है बराबर क्या लेना है बराबर लेना है समांतर श्रेणी चार छह आठ इंक्यानवे पद का मान होगा इक्यावनवे पद का मान होगा तो आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं सूत्र पता है ना सूत्र क्या है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी डी का मान पीछे वाले पद में आगे वाले घटाओगे तो निकल जाएगा तो दो आएगा प्रथम पद ये है अब बस मान को रख दो पद एन का मान रहेगा तो एन का मान निकल जाएगा बस यही सूत्र लगाना है आपको यहाँ पे क्या है यदि कॉट थीटा बराबर एक हो तो थी थीटा का मान होगा कितना होगा भाई एक होता है पैतालीस अंश में तो यहाँ पे पैंतालीस अंश लेना है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक जीरो पांच है तो यह बिंदु वाई अक्ष पर है देखो जिस अक्ष पर ये रहेगा वो अक्ष कभी भी जीरो नहीं होगा तो एक्स अक्ष जीरो है मतलब एक्स अक्ष पर हो नहीं सकता कौन सा अक्ष पर होगा वाई अक्ष पर वाई अक्ष का मान क्या होगा पांच है ना तो पांच है इसलिए ये वाई अक्ष पर होगा तो इस तरह से प्रश्नों को बनाते हैं संबंधित प्रश्न ऐसे ही रहेंगे चलो यहाँ पे देखो इस वाले को समीकरण निकाय में यदि ये इस प्रकार से दिया है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अनंत अनेक हल अगर मैं यहाँ पे इसको, इसको क्रास कर दे तो दिया सभी को देख लेते हैं देखो सबका उत्तर भी लगा है लेकिन मैं आपको समझा के बता रहा हूँ ऐसा देखने की जरूरत नहीं है ऐसे ही पता चल जाता है अठारह माह में अर्धवार्षिक की संख्या खाली खालीस्थान होगी अधिवार्षिक मतलब हर छ माह में तो तीन होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा तीन के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं ये वर्ग समीकरण है है मूलों का योग बताना है। तो चार और आठ एक बटे दो कितना कॉस स्क्सर इसका मान एक होगा ठीक है मुझे ये कैसे पता चल जाता है कि इसका मान एक होगा कॉस और ये उसका और जस्ट उल्टा होता है तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा एक आ जाएगा समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है तो सार्वांतर कहलाता है ठीक है दो पदों का अंतर क्या कहलाता है कहलाता है आ तो जाएगा क्योंकि व्यास जो है ना वो त्रिज्या का दुगना होता है तो दो तो पहले लिखा हुआ है त्रिजिया पद डाल देना हमें ठीक है यहाँ पे त्रिज्या लिख देना यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है दसवा पद निकालना है कैसे निकालोगे मैंने आपको बताया था निकालने का तरीका क्या है सूत्र है ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी या आप तीन के पहाड़ा दस बार पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा क्योंकि दस तक के पढ़ना है ना तीन दायरे तीस तो डायरेक्ट तीस लिख दो यहाँ पे क्योंकि कम है तो मैं ऐसे ही बता दिया अगर ये बहुत ज्यादा होता तो फिर कैसे बताता ठीक है तो पहाड़ा पढ़ के आप बता सकते हो कि दसवा नंबर में कौन सा आएगा पहाड़ा में तीन के पहाड़ा पहला हो गया तीन दूसरा नंबर में क्या है छह तीसरा में नौ तो इसी तरह से दस बार पढ़ोगे तो तीस आ जाएगा यहाँ पे देखो इसको पूछा है एक्स निर्देशांक ये चार माइनस बीस तो क्या बताओगे इसका उत्तर तो ये जो तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर आपको बताना है कौन से एक सेकेंड ये निर्देशांक में है कह रहा है ना तो ये निर्देशांक मुझे नहीं देखना है मुझे यहाँ पे क्या देखना है मुझे ये देखना है कि ये प्रथम चतुर्थांश में द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन से चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश में तो दोनों पद प्लस में होते हैं द्वितीय में ये

आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया है तो करते रहिए देखो समांतर श्रेणी है सर्वातर पूछे पीछे वाले में आगे घटा दो तो पांच में तीन घटाएंगे दो दो आ जाएगा इसका उत्तर किसी घन के की विकर्णों की संख्या घन के पृष्ठ विकर्ण कितने होते जब घनाभ के बारह होंगे तो इसके भी बारह होंगे।, होंगे इसके बाद अगला है अंडरउ दो क्या है परिमेय संख्या है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है ठीक है अब देख लेते हैं सत्य सत्य देख लेते हैं देखो दो समरूप त्रिभुजों की माप में विशेष अनुपात होता है उसे स्केल गुणा कहते हैं ये सत्य है मूल बिंदु सत्य है जीरो जीरो होता है रैखिक अद्वितीय हल होने के लिए आवश्यक ये भी सत्य है क्योंकि ये अद्वितीय हल का ही सूत्र है और यह इसका मान एक होता है यह भी सत्य है देखो आवर्ती जमा खत्म किसी निश्चित अवधि के लिए होता है यह भी सत्य है मतलब पांचों सत्य हो गए यहाँ पे सत्य सत्य में प्रश्न आएगा तो आपको ऐसी लेना है इसके बाद देखो यहाँ पे सत्य सत्य है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है ये सत्य है समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होता है आवर्ती जमा खाता में जमा करने के uh, जमा करने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है ठीक है ये असत्य है निश्चित अवधि होता है अभी जस्ट मैंने बताया ना निश्चित अवधि होता है सत्य लिए थे तो इसमें नहीं कह रहा थे क्या कहना है सत्य कहना है दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है ये सत्य है सभी सर्वांग बहुभुज सम समरूप होते हैं यह भी सत्य है अगला है का होने पर दोनों मूल बराबर होते हैं यह भी सत्य है चलो और कुछ प्रश्न उनको देख लेते हैं देखो यहाँ पे क्या दिया है? आयत के प्रत्येक होता है तो और वर्ग का सभी को, सभी लिखे तो ये, अंतर भाव मतलब ये बता रहा है रूप में लिखा है तो ये क्या सत्य है ये गलत है ठीक है इस तरह से नहीं लिखते हैं वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात दो होती है ये सत्य है दो घात ही होता है दो से तीन हो जाएगा तीन घात वाला हो जाएगा वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा ठीक है पांच तथा दस का तृतीय अनुपाति बीस है अब इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? आपको पता है, ये पहला और, और चौथा नहीं, नहीं, पद तो इस तरह सल करोगे तो बीस प्राप्त हो जाएगा ठीक है तृतीय अनुपाति निकालना मैंने आपको सिखा दिया है देख लेना आगे देखो आवर्ती जमा खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है ये सत्य है आवर्ती जमा खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज लेकिन अगर यहां पे प्रश्न आवर्ती और सावधि कह दिया तो तो दोनों में सेम ब्याज मिलता है बताना है, है? ठीक सेम ब्याज। आगे देखो द्विघाती बहुपद में शून्यंकों की संख्या तीन होती है यह असत्य है द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या दो ही होगा द्विघात में ठीक है कितना दो एक्स के दो वैल्यू निकालते हैं ना वर्ग समीकरण का हल करके गुणनखंड करके तो दो वैल्यू निकालता है इसलिए दो होगा यहाँ पे तीन कह रहे असत्य है, है दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है ये भी सत्य है वित्तार्ध में बना कोण समकोण होता है सत्य है सभी वर्ग समरूप होते हैं सत्य है साउदी जमा खाता में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज दे होता है ये भी सत्य है तो मैंने अभी जो आपको कुछ प्रश्न बताया है बस आपको क्या करना है इनको देख लेना है और और भी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हो तो पूरा पंद्रह अध्याय से आपको प्रश्न देखना पड़ेगा और वो पंद्रह अध्याय के प्रश्न आपको कहाँ पे मिलेगा परीक्षा बोध में मिल जाएगा तो टाइम रहेगा तो एक बार परीक्षा बोध देख लेना जो कि क्योंकि मैं जो अभी आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे हिसाब से और ये कम प्रश्न है तो इसके आने के चांसेस ना थोड़ा कम रहेगा बस इसको देख के ये समझ सकते हो कि ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में हल कैसे करना है बस इतना ही यहाँ पे हम कर, कुछ कर सकते हैं आपके लिए